क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग हमें यहाँ पर एक इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और साथ में उसकी एक वैल्यू दे रखी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसे दो मेथड से करेंगे दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं जो भी मेथड आपके टीचर फॉलो करते हैं आप भी उसे ही फॉलो करो अब यहाँ पे हमें दे रखा है साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू ये हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो हमें लेट करना है साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू इसे किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं मान लो वाई के इक्वल मान लिया आप ए बी सी डी जो भी आपको अच्छा लगे आप मान सकते हो अब यहाँ पे पहला मेथड है साइन इनवर्स को लेकर जाएंगे राइट right साइड तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू साइन को इस तरफ लेकर जाएंगे तो साइन वाई अब माइनस के साइन को बाहर रखो ओके और वन बाय टू पाए बाय सिक्स के एंगल पर होता है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाए बाय सिक्स इज इक्वल टू साइन वाई अब कंपेयर करने पर वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू अब दूसरा तरीका साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू इसे लैड करना है इज इक्वल टू वाई अब आपको पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू इज इक्वल टू वाई अब यहाँ पे वन बाय टू होता है साइन पाए बाय सिक्स पर तो यहीं पर लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स साइन पाए बाय सिक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पर साइन से साइन हो गया कैंसिल तो वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस पाए बाय सिक्स दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू